मुझे एक बात समझ नहीं आती, मम्मी हर दिन पिज्जा को मैदा बोल के फिर पिज्जा खा क्यों लेती है। अपने पर्स खोने की खुशी में मैं स्विमिंग पूल पहुंचा ही था कि यहाँ सब्सक्राइबर मिल गए, तो इनके साथ रेस करी, लेकिन अफसोस ये जीत नहीं पाए। फिर एक बैक फ्लिप मार के और फोटो खिंचवा के मैं पूल से बाहर आ जाता हूँ। स्विमिंग करने के बाद भूख बहुत लगती है, तो भाई के साथ कुछ खाने मतलब मैदा खाने पहुंच जाता हूँ। अपना सबसे पहले खा के अब नजर थी छोटे भाई की कोल्ड ड्रिंक पे। इसके हिस्से की कोल्ड ड्रिंक और मैदा खा के कुछ मैदा मैं अपनी माँ के लिए भी पैक करवा लेता हूँ। मुझे पता है मम्मी नखरे करेगी कि मैं नहीं खाती ये सब क्यों लाया, लेकिन खाएगी जरूर। घर पहुंच के ये मैदा की थैली मैंने अपनी माँ को दी और लो गाली पड़ गई, ये सब उल्टी सीधी चीजें मत खाया कर। और दो मिनट बाद खुद भी खाने लग गई। वारे माते नाना बोल के ओरिगानो भी खुद ही डाल रही। लगे हाथ यहाँ से भी एक आधी स्लाइस मैं चुरा लेता हूँ। ये ना बोल के तुम्हारी मम्मी भी ऐसा करती है क्या।